हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक है। और मैं रेडी रेडी हो गई हूँ, मॉर्निंग के बजने वाले हैं 7:30, अभी 7:15 हो रहे हैं। सो हम लोग जा रहे हैं दिल्ली वाले खाटू श्याम। तो आज का वीडियो इसी थ्रू पर रहेगा। आज का हमारा जो संडे का दिन है वो पूरा दिन बाहर रहेगा, तो ये वीडियो विदाउट स्किप करें ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मैं रेडी हो गई हूँ और सभी लोग नीचे जा चुके हैं, बस मैं भी जा रही हूँ। यहाँ पे बस मैं हैंकी लेने के लिए आई थी, तो मैं और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि क्या ही बताया जाए, बहुत गर्मी हो रही है। सो नीचे से अभी मेरे को हॉर्न ना आ जाए उससे पहले मैं निकलती हूँ। मिलते हैं रास्ते में आप लोग से। कहाँ मछली है? इसमें मछली है, आपको मछली दिख रही है? एक गंदा पानी है, गंदा पानी है। हाँ हाईवे टू हाईवे हम लोग जा रहे थे और रोड आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। धूप भी बहुत ज़्यादा थी, अगर एसी वाली कार ना होती ना तो पता नहीं क्या ही हाल होता हमारा, बस से तो हम ट्रेवल कर ही नहीं पाते। सो यहाँ पे देखिए मोना भी अपने फ़ोन में बिज़ी है, चिंटू ने आगे रिसु को ले रखा है और ओरियो हमारे पास था अभी थोड़ी देर के लिए, मम्मी जी साथ में थी। यहाँ पे थोड़ा सा पोज मारता हुआ और उसके बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए खाटू श्याम दिल्ली धाम। मैं कैमरे में जब तक रिकॉर्ड करती हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा आगे गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्लो मोशन में करके आप लोगों के साथ शेयर किया। सो हाईवे पे तीन कट थे, आप लोगों को जिस रास्ते से जाना हो और जिसको आगे जाना वो जा सकता है। तो हमारा जो सेकेंड कट था उससे हम लोग अंदर अंदर आए और ये देख सकते हैं आप लोग साइड पर ऊपर था वो हाईवे, उसके नीचे से हम लोग गए और यहाँ से फिर हमने टर्न मारा। सो यहाँ पर इस वाले रूट पर आप लोगों को मिल जाएगी और फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं खाटू श्याम जी। सो अभी अभी हम लोग आ गए हैं दिल्ली वाले खाटू श्याम मंदिर, अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि वो कार जो है पार्किंग में लगाने के लिए गए हैं, आते हैं उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। और फैमिली पूरी आई है, थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो क्लिक करवाने के बाद फिर हस्बैंड भी आ गए थे, उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए अंदर दर्शन के लिए। सो यहाँ का जो एंट्री है ना वेलकम के टाइम पे, आप लोग डेकोरेशन देख सकते हैं, रियल नहीं था, सब कुछ प्लास्टिक का था, बट देखने में वाकई में बहुत सुंदर लग रहा था। अगर शाम के टाइम हम जाते ना तो इसका व्यू कुछ और ही होता, कुछ अलग ही होता। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे फिर अंदर, और ना अंदर खाटू श्याम जी को लेकर के भी बहुत से लोग एक साथ रैली निकाल रखे थे, तो उन लोगों का अब जयकारा सुनिए आप। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? खाटू धाम। संडे का दिन था, वीकेंड था, तो सभी लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी जिसपे कि हम लोग निकल गए थे, बट हमें जाने में कम से कम 1.5-2 घंटे लग गए थे।
और ये देखिए आप लोग, कभी ऊपर जा रहे थे कभी नीचे जा रहे थे, इस तरीके से वहाँ पे रास्ता बना रखा था ताकि पब्लिक भी सीधा सीधा जा करके बोर्ड आए। और काफ़ी ज़्यादा मोड़ थे, हमें कम से कम 3 घंटे के आसपास लग गया होगा लाइन में लगे लगे, और गर्मी से तो हालत एकदम ख़राब थी। ये थोड़ा सा ऊपर से व्यू आप लोगों के साथ शेयर करा है जब हम लाइन में लगे हुए थे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे चल करके यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ पे साइड में आप लोग देख सकते हैं कि निशान वगैरह रखे हैं और प्रसाद हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने प्रसाद ले लिया था। और उसके बाद फिर एक ही रोज़ लिया था, ध्यान नहीं रहा कि दो दो बच्चे हैं, नहीं लिया तो एक ही लिया, तो उसमें भी फिर बच्चे ने बोलने लग गए कि हमें चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करा ना, कि बारी बारी से दोनों को थोड़ी देर के लिए गोगी पकड़ता था, थोड़ी देर के लिए रेसे पकड़ती। बच्चे हमारे बहुत समझदार हैं इसलिए कभी भी लड़ाई नहीं करते ये लोग। कैसा है सुनना एक बार और? खाना नहीं है? R4 इधर देख के बोलो, इधर देखो, इधर R4 रोज बेबी अभी धीरे में। और ये देखिए लैम्प प्लस अपने ट्यूबलाइट डिजिटल इंडिया। ये देखो ये रहा, परेशानी को 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 पर
चढ़ाई करूँ। यहाँ की डेकोरेशन वगैरह तो आप लोगों ने देखे ले, और ये देख सकते हैं आप लोग हवन, यहाँ पे हवन होता है। और ये थोड़ा थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों को काट करके कुछ बना रखा है, ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी गुफा में हम लोग गए हैं। और रस देखिए आप लोग कितना ज़्यादा, और डेकोरेशन वाओ। अब यहाँ पे हम लोग फाइनली दर्शन के लिए पहुँच गए और हमारे दर्शन अच्छे से हो गए, मतलब ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं हुई थी, भीड़ तो थी बट धक्का मुक्की नहीं हुई थी, सब कुछ ठीक ठाक से हो गया था। हमारा ओरियो ने भी जय किया, उसके बाद सभी लोगों ने जय किया, बाबू ने हमारे दान किया जो भी उसको करना था। और बाबू की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इस वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। अभी रात में भी उसको बहुत तगड़ा फीवर आ गया था, दो तीन बार उसको फीवर आया, मेडिसिन वगैरह दी है तो अभी रिलीफ है, इसलिए मैं अब वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सॉरी मेरे ना लेट किया है, मुझे पता है संडे की वीडियो और मैं आज ट्यूसडे को अपलोड कर रही हूँ। और ये देखिए हमारे खाटू श्याम जी, काफ़ी अच्छे से हमारे दर्शन हो गए, सभी के हो गए। और जैसा कि मैंने बताया कि धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं थी, बेशक भीड़ थी लेकिन धक्का मुक्की बिल्कुल भी नहीं हुई थी। दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो ये देख सकते हैं आप लोग, इतनी सारी ईंटें जोड़ जोड़ के लोगों ने अपने अपने घर बना रखे, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो यहाँ पे मैं और मम्मी भी चले गए थे, अपना एक हमारा घर है, प्लॉट खाली है, वहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि हम भी वहाँ का अपना एक बना लें। ये क्या कर रहे हो? ये हम अपना साउटी का मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, भगवान हमारा भी जल्दी बन जाए वो वाला घर। बन गया दे। आ गए मैं अपने घर के पास। दिल्ली का अलीपुर धाम में जो खाटू श्याम जी का मंदिर था, वहां से दर्शन करने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे चुलकामा धाम की तरफ। सो उसका व्लॉग मैं अलग से डालूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।